दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको जो है नया जुपिटर दिखाने वाला हूं, जिसको कंपनी ने काफ़ी खूबसूरत जो है यहां पर लॉन्च किया है दोस्तों, और काफ़ी अपडेटेड ये मॉडल है। सबसे पहले आप चारों तरफ से इसको देखें, फिर हम इसके फीचर्स आपको दिखाएंगे, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो आप देखें दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको इसके अंदर जो है ये DRL दिए पूरे के पूरे, जो कि गाड़ी के फ्रंट फेशिया को काफ़ी इन्हेंस कर रहे हैं, और यहीं पर आपके जो है ना टर्न इंडिकेटर भी दिए हैं। जैसे ही आप इंडिकेटर को ऑन करेंगे तो इंडिकेटर जो है इस तरह से काम करना शुरू कर देंगे। तो ये पूरी डे टाइम जो है रनिंग लाइट है इसके अंदर, और ये देखें आप इसके अंदर फ्रंट जो हेडलाइट है इसकी, इसके अंदर LED लाइट दी है जो कि वाइट कलर की है, काफ़ी खूबसूरत यह लगती है। और ये आपका जुपिटर का जो है लोगो है, यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट लगेगी। ये दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर एसेसरीज वगैरह कंप्लीट करके इस गाड़ी को यहाँ पर रखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि इस गाड़ी की जो कीमत है ना, वो काफ़ी, मतलब कहते हैं ना, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी कीमत है। 1,05,000 रुपये में दोस्तों ये जो गाड़ी है ना आपको ऑन रोड मिल जाने वाली है, जिसके अंदर कंपनी ने काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर दे दिए हैं। स्मार्ट कनेक्ट फीचर दिया है इसके अंदर, यानी कि आप अपने फ़ोन को गाड़ी के साथ में कनेक्ट कर लेंगे ऐप के माध्यम से, तो आपकी गाड़ी के अंदर आप जो है ना कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी एडवांस फीचर्स के साथ में जुपिटर को लॉन्च किया है कंपनी ने। ये देखें आप, ये आपका ब्रेक वगैरह यहाँ से लॉक हो जाएगा। और फ्रंट टायर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये हमारे पास में सेकंड टॉप मॉडल है, जिसके अंदर टॉप मॉडल में आपको यहाँ पर जो है ना डिस्क के साथ में भी लेने का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल रहेगा। तो ये 12 इंची के ट्यूबलेस टायर हैं अलॉय व्हील्स के साथ में, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको दिया है, जिससे कि आपको एक बेहतरीन राइड यहाँ पर मिलती है। और ये आपके ORVM हो गए, यानी कि साइड मिरर, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और इसका खूबसूरत डिस्प्ले मैं आपको दिखा दूँ तो आप देखेंगे एक नया जो है आपको यहाँ पर लुक दिखाई देगा। डिजिटल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपका हेलो राइडर, यानी कि आप इसके अंदर एक ऐप रहेगी TVS की, जिसको आप कनेक्ट करेंगे अपने फ़ोन के साथ में, तो आप यहां से कॉल वगैरह कर सकते हैं। आपका कॉल है, SMS है, वो सारे के सारे अलर्ट जो है ना आपको यहां पर शो हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। साथ ही दोस्तों आपके फ्यूल की सेविंग के लिए इसके अंदर ऑटो स्टॉप जो है ये भी फीचर दिया है, यानी कि गाड़ी आपकी जब ट्रैफिक वगैरह में या सिग्नल पर कहीं खड़ी होती है, 30 सेकंड से ज़्यादा खड़ी हो गई, तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है ना वो ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिससे कि आपकी फ्यूल की सेविंग होती है। ये देखें आप इसके नए स्विचेज, काफ़ी शार्प इसका हॉर्न है। 5 लीटर का आपको इसके अंदर जो है ना यहाँ पर फ्यूल टैंक दिया है, जिसका ऑपरेशन आपको यहीं से करना होगा। तो आगे की साइड में आपका फ्यूल टैंक है, और फ्यूल टैंक को यहाँ देने से एक अच्छी बात हो गई है यहाँ पर, कि सीट के नीचे की साइड का जो है ना स्टोरेज आपका यहाँ पर बढ़ गया है 32 लीटर, यानी कि बड़ा स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है, जिसके अंदर आप 2 हेलमेट बड़े साइज के यहाँ पर रख सकते हैं। साथ ही आपको राशन पानी का सामान लाना है तो काफ़ी सारा सामान जो है ना आप यहाँ पर भर के ला सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ मिलता है जुपिटर स्कूटर्स के साथ में। और ये देखें आप, सीट भी काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी वाइड ये सीट है, जिसके ऊपर आप कंफर्टेबली बैठ करके जो है ना एक सफ़र का आनंद ले सकते हैं। पीछे से मैं आपको दिखाऊं तो पीछे से भी काफ़ी शानदार लुक है, TVS की ब्रांडिंग है। और ये पूरा आपका यहाँ पर ब्रेक लाइट जो है पूरी यहाँ पर DRLs की तरह दी है, मतलब जैसा कि सामने की साइड में DRL दिया है ना, वैसे ही आपको ब्रेक लाइट दिया है। इसी के अंदर आपके टर्न इंडिकेटर रहेंगे, तो काफ़ी खूबसूरत जो है ग्लैमरस रूप के अंदर कंपनी ने अपने नए जुपिटर को यहाँ पर लॉन्च किया है। और दोनों ही साइड में आपको यहाँ पर दोस्तों जुपिटर की जो है ब्रांडिंग क्रोम लेटर्स के साथ में दिखाई देगी। अब हम बात करें इसके इंजन की, तो यहाँ पर आपको जो है एयर कूल्ड इंजन दिया है, जो कि 113 cc का इंजन है। इसके अंदर आपकी 5.9 kW की पावर मिलेगी, और 9.8 Nm का आपको इसके साथ में टॉर्क यहाँ पर मिल जाएगा। वहीं अगर हम माइलेज की बात करें, तो आपको माइलेज लगभग 55-60 तक का माइलेज जो है ना प्रैक्टिकल राइड के अंदर देखने के लिए मिल जाने वाला है। साथ ही दोस्तों सेफ्टी फीचर्स की बात करें, तो आपका साइड स्टैंड अगर लगा हुआ रहेगा तो आपकी गाड़ी जो है वो ऑफ हो जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पर सेफ्टी देखने के लिए मिलती है। तो इस तरह का है दोस्तों ये नया जुपिटर। और पीछे से मैं गाड़ी को एक बार दूर से दिखा दूँ तो आप देखेंगे कई खूबसूरत कलर्स के साथ में कंपनी ने अपने नए जुपिटर को यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको एक कम्फर्टेबल सीट मिलती है, और यहाँ पर आपको मोबाइल को चार्ज करने का ऑप्शन भी दिया है। आप अपने फ़ोन को यहाँ रख करके इजीली चार्ज कर सकते हैं। अभी के साथ में दोस्तों आप कई ऑपरेशन कर पाएंगे, जिससे कि आपका फ्यूल टैंक का जो लेड है ये ओपन हो जाएगा। E20 यानी कि एथेनॉल जो आपका है पेट्रोल लेटेस्ट, उसको भी ये सपोर्ट करने वाला है। यहाँ पर इसके अंदर आपको एक हुक वगैरह भी दिया है, जिसके अंदर आप अपना सामान जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा स्कूटर है दोस्तों जुपिटर तो पहले से ही, और इसको कंपनी ने अभी और अपडेटेड कर दिया है, तो काफ़ी खूबसूरत बना दिया है। एक बार आप देख लें गाड़ी को फ्रंट से, और इस वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। गाड़ी की कीमत मैंने आपको बता दी है, ऑन रोड ये गाड़ी आपको पड़ जाएगी 1,05,000 रुपये में।